चलिए रुक करते खबरों का। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज पहला मुकाबला नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट टीम का फॉर्म इस वक्त डगमगाए हुआ सा है, तो टीमों को अब तक तीनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। तो वहीं नीदरलैंड टीम की अगर बात करते हैं तो टीम को पहले दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है और टीम इस वक्त आपको बता दें कि 2 अंकों के साथ 8वें पायदान पर है। तो श्रीलंका को पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से हराकर सामना भी करना पड़ा था। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवरों में 209 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और इसी के साथ आज दोपहर आपको ये भी बता दें कि 2 बजे वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी मुकाबला होगा। इसको लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कमर कस दी है। हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं और सर बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। धन्यवाद दीपाली। सर जैसे कि हम देख रहे हैं 2 मैच होंगे, 10:30 बजे से पहला मैच खेला जाएगा और फिर 2 बजे से मैच के दूसरा जो है वो शुरू होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नीदरलैंड्स और श्रीलंका की तो उसमें बहुत दिलचस्प मैच जो है ये देखने को मिलता है, क्योंकि श्रीलंका एकमात्र टीम ऐसी है जो अभी तक कहें कि जिसने एक भी मैच नहीं जीता है, तो कितना चैलेंजिंग ये मैच जो है वो श्रीलंका के लिए हो सकता है? देखिए दीपाली, जैसा आपने कहा कि जो इंटरेस्टिंग मैच है वो मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका को अगर वर्ल्ड कप में पहना है तो आज उसको अपना मुकाबला जीतना ही होगा। उधर अगर मैं नीदरलैंड की बात करता हूँ तो नीदरलैंड एक अच्छी लय में नजर आ रही है, भले ही अपने पहले मैच उसने गवाए हों अपने दोनों के दोनों, लेकिन तीसरा मैच जब उनको साउथ अफ्रीका के साथ हुआ तो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ, जो उन्होंने बड़ा एक उल्टफेर किया, जो इस वर्ल्ड कप का दूसरा बड़ा उल्टफेर था, तो उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक उत्साह है और आत्मविश्वास वो बड़ा होगा नीदरलैंड की टीम में, क्योंकि नीदरलैंड की टीम की गेंदबाजी काफी अच्छी है। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा था कि उन्होंने रन बनाने के लिए तरसाया, जो अब तक के अच्छी टीम मानी जा रही है वर्ल्ड कप की, क्योंकि पहले ही मैच में 428 रन का एक बड़ा स्कोर का खड़ा करना श्रीलंका के खिलाफ और उसके बाद 3-3 बल्लेबाजों का शतक लगाना एक ही मैच में, बल्लेबाजी अच्छी है, लय में है, लेकिन एक बड़ा डिसपॉइंट हमें देखने को मिला नीदरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम से। अगर मैं बात करूं नीदरलैंड श्रीलंका की तो श्रीलंका उस टच में है लेकिन फिनिशिंग टच एक नहीं दे पा रहा है अब तक। हमने देखा कि 428 का वो लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो वहां भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 43 ओवर में वो ऑल आउट, ऑल आउट से पहले अगर आप ओपनिंग उनकी जो एक स्टार्टिंग है वो देखेंगे तो एक अच्छा स्टार्ट मिला था, सो के जो है वो पार्टनरशिप रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार एक बल्लेबाजी का ढह जाना ये एक बड़ा कारण बना हुआ है अभी तक श्रीलंका के लिए। अगर वहाँ उसमें वो थोड़ा सा अपना सुधार कर लेते हैं, क्योंकि सनाका भी पिछले मैच में नहीं थे तो हो सकता है आज सनाका मैच में खेले तो थोड़ा सा जो बैटिंग लाइनअप है वो और उसका स्ट्रॉन्ग हो, गेंदबाजी में थोड़ा सा श्रीलंका को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गेंदबाजी उस तरह की दिखी नहीं जो अब तक हमें पिछले मुकाबलों में देखने को मिल रही थी, चाहे हम एशिया कप की बात करें या उससे पहले भारत के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें बात करें, तो अब तक ऑल ओवर अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो 2-4 को छोड़ के उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है और कोई भी टीम तब तक नहीं जीतती जब तक पूरे के पूरे 11 के 11 जो खिलाड़ी टीम के अंदर खेल रहे हैं वो अपना 100% नहीं दे देते। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन दूसरा सवाल मेरा यह है कि दूसरा मैच जो है 2 बजे से शुरू होने वाला है तो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का है। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की तो हालत जो है अफ्रीका से काफी खराब नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2007 के बाद से वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जो टीम है वो नहीं हारी है, तो किसके लिए ज्यादा चुनौती है? देखिए दीपाली, ये बात दूर है कि कोई भी टीम किसी से नहीं हारता, क्योंकि एक वक्त होता है कोई भी टीम किसी को भी कभी भी हरा सकती है और इंग्लैंड में वो मादा है कि वो किसी भी टीम को परास्त कर सकती है, साउथ अफ्रीका में भी वो मादा है कि वो किसी भी टीम को जब उनका दिन हो तो किसी भी टीम को और किसी भी गेंदबाजी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर सकते, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है दोनों के पास, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है दोनों के पास, और इंग्लैंड की जो हालत खराब है वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ 3 ही मुकाबले खेले हैं,
उसमें से जीता है। सबसे बड़ा जो धक्का इंग्लैंड की टीम को जो लगा वो लगा अफगानिस्तान के साथ, जब अफगानिस्तान के साथ वो रन चेज करने में असफल रहे। और ऐसा ही कुछ अब देखेंगे आप तो साउथ अफ्रीका भी, पहले दो मुकाबले बड़े जीते, पहले उन्होंने श्रीलंका को हराया, फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हराया। तो ऐसा नहीं है कि दोनों को डिसिप्लिन्ड है दोनों, क्योंकि पिछले दोनों ऐसे मुकाबले हार कर आई है दोनों टीमें जो जीतने की पूरे पूरे जीतने के चांस थे, क्योंकि नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारा, अफगानिस्तान से इंग्लैंड हारा, तो धक्का तो दोनों को लगा है। मैच बड़ा होगा और एक होना जो अब तक दर्शक देख रहे हैं कि एक बड़ा मुकाबला होना चाहिए और वो होगा भी, क्योंकि दोनों ही टीमें जीत गए। साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूँ तो भले ही वो पॉइंट टेबल में ऊपर है, क्योंकि शुरुआती जो उन्होंने मुकाबले जीते थे वो काफी बड़े अंतर से जीते थे, जिसके जो रन रेट के हिसाब से वो काफी ऊपर पहुंच गया था एकदम से। लेकिन अब जो दूसरा जो ये फेज शुरू हुआ है अब वर्ल्ड कप का, इस यहाँ से देखना कि कौन टीम किस रन रेट के हिसाब से और कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाती है। अगर मैं बात इंग्लैंड की करता हूँ तो इंग्लैंड के पास वो मादा है कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है, क्योंकि अगर बात करें तो बल्लेबाजी में अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है इंग्लैंड के पास, गुड बटलर बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूँ तो बटलर हैं, रूट हैं, उधर बेस्टो हैं, डेविड मलान हैं, लिविंगस्टन हैं, अगर ये सब एक दिन आप अगर आप फॉर्म में होते तो कहीं ना कहीं मैच बड़ा होगा, क्योंकि मुंबई का ये मैदान और यहाँ पर जो मैच स्कोरिंग रहता है वो हाई स्कोरिंग मैदान माना जाता है ये, तो आज एक अच्छा मुकाबला, क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी जीत की लय में वापस लौटना चाहेंगी, तो देखना ही होगा कि कौन सी टीम कितना अपना 100% दे पाती है और कौन सी टीम यहाँ पर जीत पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारी जो है साझा की इस पूरे मुद्दे पर। तो जैसे कि देखा हमने कि जो मुकाबला है बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोनों टीमों के बीच, और ऐसे में आपको बता दें कि आज दो मैच खेले जाएंगे, सुबह करीब 10:30 बजे से एक मैच शुरू होगा, तो दूसरा मैच वहीं आपको बता दें कि 2 बजे से शुरू होने वाला है। अब ये देखना होगा कि जो कौन सी टीम है सपना पूरा 100% इन सभी परफॉर्मेंस में देती हुई नजर आती। चलिए